बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। हेलो गाइस, वेलकम टू लीगल यूट्यूबर चैनल। दोस्तों उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। दोस्तों कनाडा जो हमेशा से कनाडा का एक पॉपुलर प्रोग्राम रहा है जिसका नाम है अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम। साथ ही दोस्तों इसका जो शॉर्ट फॉर्म यूज़ किया जाता है वो AIPP है। दोस्तों काफ़ी टाइम से लोग, बहुत सारे लोग अप्लाई कर रहे हैं इस प्रोग्राम के अंदर और काफ़ी ज़्यादा लोगों को इस प्रोग्राम से सक्सेस हासिल हुई है। इस प्रोग्राम को स्टार्ट किया गया था 2017 के अंदर और इसका जो लास्ट टाइम था, मतलब जो वैलिड था ये, वो 2021 तक के लिए था। मतलब कि दोस्तों अब आपके पास बहुत कम टाइम बचा है इस प्रोग्राम में अप्लाई करने के लिए। इस प्रोग्राम को स्टार्ट करने का जो रीज़न था वो ये था कि कनाडा के जो कुछ रीजन्स हैं जहाँ पर लोग जाना पसंद नहीं करते, लेकिन दोस्तों वहाँ की लेबर शॉर्टेज को देखते हुए कनाडा गवर्नमेंट ने इस प्रोग्राम को लॉन्च किया था ताकि लोग वहाँ पर जाएं, PR अप्लाई करें और वहीं पर रहें ताकि उसके उन रीजन की लेबर शॉर्टेज को कंट्रोल किया जा सके। दोस्तों जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आने वाले दिनों के अंदर कनाडा काफ़ी ज़्यादा आसानियाँ करने वाला है, तो ऐसे ही कनाडा ने इस प्रोग्राम के अंदर भी कुछ चेंजेस की है जिसके बारे में हम आज की इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। साथ ही दोस्तों इस प्रोग्राम की एप्लीकेशन ऑनलाइन सबमिट होना शुरू हो चुकी है और अब आप जाके ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो इस प्रोग्राम के लिए। अब दोस्तों लेकिन इस प्रोग्राम के लिए टाइम काफ़ी ज़्यादा कम रह गया है क्योंकि जो ये ऑनलाइन एप्लीकेशन का सिलसिला शुरू किया गया है वो सिर्फ सेप्टेम्बर तक है। सेप्टेम्बर में इसको बंद कर दिया जाएगा। तो चले दोस्तों करते हैं वीडियो को शुरू। मेरा नाम है राजिक और आप देख रहे हैं लीगल यूट्यूबर चैनल। तो चले शुरू करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले दोस्तों बता दूं कि जिन लोगों ने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ये प्लीज नीचे रेड बटन होगा इसको दबा दो, बेल को दबाना बिल्कुल मत भूलना ताकि आपको मेरा हर नोटिफिकेशन सबसे पहले देखने को मिले। दोस्तों कनाडा ने जो रिसेंटली इस प्रोग्राम के अंदर अपडेट की है वो वर्क परमिट है। मतलब कि दोस्तों जब भी आप इस प्रोग्राम के अंदर अप्लाई करते थे तो आपको PR मिलने के चांसेस होते थे, मतलब कि आपका PR प्रोसेस स्टार्ट होता था, लेकिन उससे पहले आप कनाडा नहीं जा सकते थे। लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं है दोस्तों। अगर आप इस प्रोग्राम के अंदर सिर्फ एलिजिबल हो जाते हो तो आप ओपन वर्क परमिट अप्लाई कर सकते हो। साथ ही में दोस्तों आपका जो भी स्पोस होगा या इसके अलावा जो भी हस्बैंड वाइफ जो भी है आपके, वो भी आपके साथ ओपन वर्क परमिट पे कनाडा जा पाएंगे। साथ ही में दोस्तों ये जो वर्क परमिट दिया जाएगा वो सिर्फ एक साल का होगा जब तक आपकी PR प्रोसेस चल रहा है। साथ ही में दोस्तों बात की जाए, ये चार रीजन्स हैं, इसी के अंदर से आपको एक के अंदर जाना होगा। नंबर वन के ऊपर है न्यू ब्रांसविक, नंबर टू के ऊपर है न्यू फाउंडलैंड एंड लेबरडोर, नंबर थ्री के ऊपर है नोवाकोशिया और नंबर फोर के ऊपर है प्रिंस एडवर्ड आइलैंड। अब बात करते हैं फ्रेंड्स इसकी रिक्वायरमेंट्स की, तो ये प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट भी काफ़ी ज़्यादा कम आपको देखने को मिलेगी। नंबर वन के ऊपर आपको CLB 4 लेवल का IELTS चाहिए होगा, मतलब कि IELTS 4.0 बैंड चाहिए होगा जनरल कैटेगरी के अंदर। नंबर टू के ऊपर आपको जो आपका ऑक्यूपेशन है वो 0 लेवल, A लेवल, B लेवल या फिर C लेवल की कैटेगरी के अंदर से होना चाहिए। नंबर थ्री के ऊपर आपके पास 12 क्लास की एजुकेशन होनी चाहिए और नंबर फोर के ऊपर आपको जॉब ऑफर चाहिए। दोस्तों जॉब ऑफर इस प्रोग्राम के अंदर सबसे एक मेन चीज़ है। अगर आप जॉब ऑफर नहीं ले पाओगे तो आप इस प्रोग्राम में नहीं पार्टिसिपेट कर सकते। जॉब ऑफर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपको अटलांटिक इमिग्रेशन पायलट प्रोग्राम के अंदर जॉब ऑफर गेट करनी है तो मैं आपको बताते चलूं कि 1886 जो है वो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज हैं, मतलब कि 1886। इसकी जो पूरी कम्प्लीटली लिस्ट है वो कनाडा ने इंटरनेट के ऊपर शाया कर दी है और सबसे बेस्ट चीज़ मुझे इस प्रोग्राम की यही लगी दोस्तों कि इसके जो डेजिग्नेटेड एम्प्लॉयज़ हैं उनकी लिस्ट आपको इंटरनेट पे देखने को मिल जाएगी। आपने करना ये है कि उस एम्प्लॉयर को आपने सिर्फ सेलेक्ट करना है, उसके बाद गूगल पे जाके इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे ही आप जाके जॉब अप्लाई कर सकते हो, जो कि काफ़ी आसान चीज़ हो जाती है और उसके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाते हैं। दोस्तों सबसे अच्छी चीज़ मुझे इस प्रोग्राम के अंदर ये लगी कि यहाँ पर आपको LMIA की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। वरना होता ही है दोस्तों कि एम्प्लॉयर को फीस वगैरह पे करनी पड़ती है जिसके तहत एक लंबा प्रोसेस हो जाता है, लेकिन अब कनाडा ने इसके ऊपर LMIA हटा दिया है कि अब आपको LMIA की ज़रूरत नहीं है, तो इस प्रोसेस को मज़ीद आसान कर दिया गया है। ये आसानी आपके लिए भी हो चुकी है, एम्प्लॉयर के लिए भी हो चुकी है, क्योंकि एम्प्लॉयर को भी अब एक बड़े प्रोसेस से गुजरना नहीं पड़ेगा। साथ ही में दोस्तों आपको जो जॉब नहीं मिलती थी उसके चांसेस भी काफ़ी ज़्यादा कम हो गए इससे।
तो दोस्तों इस प्रोग्राम के अंदर मजीद आसानियां पैदा की है कनाडा ने, और आने वाले दिनों के अंदर आपको मजीद प्रोग्राम्स के अंदर काफ़ी आसानियां देखने को मिलेगी। तो फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर प्लीज़ पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।